हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आई एम इन माय टाटा नैनो और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ और टाटा नैनो रिलेटेड या किसी भी कार के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये एंटी फॉग सॉल्यूशन, ये मैंने तब लिया था जब मैंने लद्दाख राइड प्लान किया था, क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ठंडी होती है या बारिश होती है सो गाड़ी के अंदर पूरा फॉगिंग हो जाता है। सो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, एसी का जो विंग्स होता है वो विंडशील्ड के ऊपर रख कर देते हैं और एसी चालू रखना पड़ता है ताकि हमें आगे सामने पूरा दिखाई दे, अंदर फॉगिंग ना हो उसके लिए। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा, जैसे अपर हिल एरिया है या ऑफ रोडिंग है, सो अगर वहाँ पे आप एसी करते हो तो गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ जाता है और उसकी वजह से कभी कभी गाड़ी जो होती है अपर हिल ड्राइव करने में मुश्किल हो जाती है। खास करके लद्दाख जैसी जगह पे आप डायरेक्टली एसी में गाड़ी को अपर हिल एरिया में नहीं चला सकते, आपको एसी कंपलसरी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेरेन ही ऐसा है कि जहाँ पे आप एसी में गाड़ी अप हिल में ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो उसी के लिए मैंने मंगवाया था एंटी फॉग किट। ये आता है 15 ml का है और ये मुझे कुछ 500 रुपये के आसपास आया था। सो है महंगा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसको गाड़ी के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी किया था जब मैं पठानकोट पहुँचा था, तब मैंने इसको गाड़ी के अंदर ये सॉल्यूशन लगाया था मेरे विंडशील्ड के ऊपर, तो मुझे काफ़ी सारा इससे बेनिफिट हुआ था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ आपको भी मंगवाना चाहिए। प्लस ये मल्टीपर्पज़ है, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट में भी, हेलमेट के बाहर आप ये लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बारिश जो होगा हेलमेट के कांच ग्लास के ऊपर, सो पानी उसके ऊपर टिकेगा नहीं, वो डायरेक्टली स्लिप होके नीचे आ जाएगा। सो आपका जो हेलमेट का ग्लास है वो एकदम ड्राई रहेगा, क्लीन रहेगा। सो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सेम ऐसे ही आप अपनी किसी भी कार में यूज़ कर सकते हो। अगर आप टू व्हीलर राइड करते हो तो हेलमेट में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नंबर का चश्मा है तो आपके स्पेक्स में भी ये यूज़ कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपकी आइज़ को ये प्रॉब्लम करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। सो मैं इसीलिए वीडियो बनाया कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, जिसको खास करके ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है या कोई राइडिंग करता है, सो ये किट ये यूज़ कर सकता है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, एंटी फॉग किट आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। है कॉस्टली लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका पैकिंग भी अच्छा सा है। इसके अंदर एक माइक्रो फाइबर क्लोथ आता है और ये इस तरह की एक शीशी रहती है अंदर, छोटी सी स्प्रे जैसी। सो मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिव है। सो मैं चाहूँगा कि अगर आप राइड करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आप राइड वगैरह कुछ करते हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें। खास करके मानसून में बहुत इफ़ेक्टिव है और या तो जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है तो उसमें बहुत काम आता है। सो बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और वैसे तो मेरे नैनो की काफ़ी सारी फैन फॉलोइंग है, सो ये मेरे लिए अच्छी बात है। आप लोग पसंद करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो आगे बात करेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं आगे चल के नैनो के राइड के बारे में। सो बातचीत करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू सून, बाय बाय।